तो कुमकुम भाग्य के आज के एपिसोड में जब अक्षय, अशोक और प्राची पहली बार वोटिंग रूम में पहुंचे तो मंदिर क्षेत्र में महिलाओं को प्रार्थना करते देख वे हैरान रह गए। प्राची उनसे पूछती कि क्या हुआ और क्या रणवीर के आने पर डॉक्टर ने उन्हें कोई खबर दी। वे खुशी के लिए चिंतित हो जाते हैं जब शहाना उन्हें उसकी गंभीर स्थिति के बारे में बताती है। जब डॉक्टर कुछ देर बाद वापस आते हैं तो रणवीर और प्राची उन्हें स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए रोकते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि खुशी में बहुत अधिक आंतरिक स्त्राव हुआ है और दवाएं आमतौर पर रक्त को अंदर जमने से रोकने की कोशिश नहीं कर पा रही है। जब डॉक्टर परिवार को बताता है कि वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता और उन्हें खुशी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है क्योंकि अभी कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है, परिवार चिंतित हो जाता है। जब प्राची खुशी के कमरे में जाती है तो वह उससे कहती है कि उसे बहादुर होना चाहिए और अपने जीवन के लिए लड़ना चाहिए। वह खुशी का हाथ पकड़कर कहती है कि उसके शिव और पार्वती उसके सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। क्या खुशी ठीक हो पाएगी? खुशी को घर कौन ले जाएगा, प्राची या रणवीर या दोनों? ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।